गुड मॉर्निंग। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम सब्जेक्ट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म डेटा फ्लो डायग्राम, जिसको शॉर्टकट में DFD बोलते हैं, उस पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। प्रीवियस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन सी सेक्शन में पूरे 5 मार्क्स का आया था। मैं डॉक्टर प्रवीण मंत्री, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। DFD का लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारा रहेगा, दिस कलेक्शन ऑफ स्लाइड विल रिव्यू द टेक्निक्स ऑफ ड्राइंग डेटा फ्लो डायग्राम। किस तरीके से डेटा फ्लो डायग्राम को आप बनाते हैं, इस पे मेरा एम्फेसिस रहेगा। सबसे पहले हम समझें कि डेटा फ्लो डायग्राम होता क्या है। अ डेटा फ्लो डायग्राम DFD इज़ अ ग्राफिकल टूल दैट अलाउज अ सिस्टम एनालिस्ट एंड द सिस्टम यूज़र टू डिपिक्ट द फ्लो ऑफ डाटा इन अ इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसा कि आपको पता है, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम है जो कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग के काम आता है। और इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है रॉ डाटा का प्रोसेस्ड फॉर्म। जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें ग्राफिकली जब प्रेजेंट की जाती है, रिपीट करता हूँ, अ डेटा फ्लो डायग्राम इज़ अ ग्राफिकल टूल जो हमें ग्राफ के रूप में प्रेजेंट होती है, दैट अलाउज अ सिस्टम एनालिस्ट, जो सिस्टम को बनाने वाले एनालिस्ट और सिस्टम के यूज़र यानी हम या मैनेजमेंट टू डिपिक्ट द फ्लो ऑफ डाटा, और हमें ये बताता है कि फ्लो ऑफ डाटा किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इस तरीके से DFD का मतलब हुआ एक तरह का सिस्टम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो सिस्टम एनालिस्ट और सिस्टम यूज़र को ये डिपिक्ट या दर्शाता है कि किस तरीके से इन्फॉर्मेशन सिस्टम में इन्फॉर्मेशन फ्लो होती है। एक रिपीट करूँ वर्ड, डेटा, डेटा को रॉ फैक्ट्स बोलते हैं, जब वो प्रोसेस हो जाता है तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाता है। अब जब इन्फॉर्मेशन बनता है और किसी भी प्रोग्राम को जनरेट किया जाता है तो हमें उसके फ्लो चार्ट्स को बनाना पड़ता है कि इन्फॉर्मेशन का मोमेंट किस तरह से रहेगा। तो डेटा फ्लो डायग्राम सिस्टम एनालिस्ट को भी और सिस्टम के यूज़र को फ्लो ऑफ डेटा के बारे में, डेटा के प्रवाह के बारे में सूचना देता है। सेकेंड पॉइंट है, द DFD इज़ वन ऑफ द मेथड दैट सिस्टम एनालिस्ट यूज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन नेसेसरी टू डिटरमाइन इन्फॉर्मेशन सिस्टम रिक्वायरमेंट। किस तरह का इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है? जैसा कि आपको पता है, MIS मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, TPS ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, DSS डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, इसके अलावा ESS एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, इसके अलावा एक्सपर्ट सिस्टम, जितने भी सिस्टम हैं, जितने भी सिस्टम के टाइप्स हैं, डिपेंड्स अपॉन देयर कैटेगरी, उनमें ये मेथड यूज़ की जाती है ताकि इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है या नेसेसरी है वो तय की जा सके और एनालिस्ट उस इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर यूटिलाइज कर सके। लिखा है ना कि DFD इज़ वन ऑफ द मेथड दैट सिस्टम एनालिस्ट यूज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन नेसेसरी टू डिटरमाइन इन्फॉर्मेशन सिस्टम रिक्वायरमेंट। अब यहाँ जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम रिक्वायरमेंट है, तो इन्फॉर्मेशन के टाइप्स मैंने जो बोले, MIS, DSS, ESS, ESS के अलावा एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम के अलावा एग्जीक्यूटिव एक्सपर्ट सिस्टम, पार्डन, ये सारे जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम हैं उनमें डेटा का फ्लो और उसकी इन्फॉर्मेशन किस तरह से रिक्वायर्ड होगी वो सब ये बताता है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ अ डाटा फ्लो डायग्राम। सबसे पहले तो समझना पड़ेगा डाटा फ्लो डायग्राम है क्या। इट इज़ इंटेंडेड टू सर्व एज अ कम्युनिकेशन टूल। ये एक तरह का कम्युनिकेशन टूल है, इन्फॉर्मेशन को फ्लो के रूप में प्रेजेंट करता है। अब इसमें कौन कौन पार्टीज इन्वॉल्व हैं? सिस्टम एनालिस्ट, जो सिस्टम को एनालाइज करता है, एंड यूज़र, या तो मैं होऊंगा, या चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा स्टूडेंट हो सकते हैं, या फिर जो उसको यूज़ कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल कॉलेज है तो कॉलेज का अकाउंटेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक है तो बैंक का कैशियर, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए हम होटल की बात कर रहे हैं तो होटल का जो होटल में टिकट बुकिंग स्टाफ है, मतलब कहने का मतलब जो उसको फाइनली यूज़ कर रहा है, या टॉप लेवल अथॉरिटी है तो उसके CEO या उसके मैनेजिंग डायरेक्टर जो डिसीजन में शामिल हैं। तो एंड यूज़र का मतलब है वो रियल बंदा जो उस सिस्टम को यूज़ करने वाला है। लिखा है अगला, डाटा बेस डिज़ाइनर, डाटा का डिज़ाइन किस तरीके का होगा, वो सिस्टम प्रोग्रामर्स, किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें प्रोग्रामर्स की ज़रूरत पड़ती है, वो भी एक पार्टी होगी। और लास्टली है अदर मेंबर्स ऑफ द प्रोजेक्ट टीम, जो डेटा को
फ्लो इन्फॉर्मेशन के रूप में, फ्लो के रूप में प्रेजेंट करने में मदद करेंगे। अब उसमें सिस्टम आर्किटेक्चर भी हो सकता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है, जितनी भी पार्टी उस इन्फॉर्मेशन को फ्लो के रूप में प्रेजेंट करने के लिए रिक्वायर्ड है, वो सब इसका पार्ट होगी। तो रफली बोलें या ब्रीफली बोलें एकदम, तो क्या बोलेंगे, एक सिस्टम एनालिस्ट चाहिए, एक एंड यूज़र चाहिए, एक डेटाबेस डिज़ाइनर चाहिए, सिस्टम प्रोग्रामर चाहिए, और भी प्रोजेक्ट टीम के बाकी मेंबर जो उस डीएफडी को बनाने में हमारी मदद करते हैं। देखिए अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आप आ रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा फर्स्ट चीज को, डीएफडी सिंबल्स एंड डेफिनेशंस। देखिए प्रोसेस बना हुआ है, एक स्क्वायर बना हुआ है और उसके ऊपर एक लाइन बनी हुई है। मैं थोड़ा सा आपको इस तरफ लेकर चलता हूँ, ध्यान दीजिएगा आप इस वाले की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें क्या हो रहा है, ध्यान देने की बात यह है कि इसमें बेसिकली यहाँ पर जो है हेड में मतलब इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पर एक फॉर्मेशन है प्रोसेस का, स्क्वायर के ऊपर एक लाइन लगी हुई है। क्या है ये प्रोसेस, इसको बोलते हैं प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब हुआ प्रोसेस सम एक्शंस ऑन डेटा सच एस क्रिएट्स मोडिफाइड स्टोर एंड डिलीट। डेटा के साथ कुछ क्रिएट करना, कुछ मोडिफाइड करना, कुछ स्टोर करना, कुछ डिलीट करना, ये किसका काम है, प्रोसेस का। और प्रोसेस का डायग्राम क्या है, स्क्वायर और उसके ऊपर एक लाइन लगी हुई है। कैन बी मैनुअल और सपोर्टेड बाय द कंप्यूटर। अब दूसरे की तरफ जब आप आ रहे हैं तो ध्यान से देखिए, एक वर्ड है डाटा स्टोर। डेटा स्टोर जो है वो हॉरिजेंटल में है और जो लाइन ऊपर थी वो लाइन लेफ्ट साइड की तरफ है, और ये जो डेटा स्टोर है ये है उसका स्टोरेज। इन्फॉर्मेशन दैट इज कैप्ट एंड असेस्ड मे बी इन द पेपर फाइल फोल्डर और अ डेटाबेस, वो किसी भी रूप में हो सकती है। सिंबल पे ध्यान दीजिए आप, सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सिंबल के साथ ऊपर लाइन के साथ ये आ रहा है, और यहाँ पर इस सिंबल के साथ क्या आ रहा है, ऐसा सिंबल आ रहा है, इस सिंबल को याद रखिएगा। अगला पॉइंट है एक्सटर्नल एंटिटी, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है, स्क्वायर बना हुआ है। एक्सटर्नल एंटिटी इज़ द ओरिजिन और डेस्टिनेशन ऑफ द डाटा, डाटा कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पहुँचा। एंटिटीज़ आर एक्सटर्नल टू द सिस्टम, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिख दी गई, ये जो एंटिटीज़ हैं ये क्या है, एक्सटर्नल पार्ट होता है सिस्टम का। ये अंदर का पार्ट है, ये अंदर का पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, बाहर का। और इसके अलावा डेटा फ्लो में, फ्लो जो इन्फॉर्मेशन का होता है लेफ्ट टू राइट, उसको बोला जाता है फ्लो, उसको एरो के रूप में दिखाया जाता है। द डेटा फ्लो, द फ्लो ऑफ द डेटा इनटू और आउट ऑफ द प्रोसेस, डेटा स्टोर और एंटिटी। मैं रिपीट करता हूँ आप सबके लिए, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि प्रोसेस में डायग्राम बनाते समय आपको ध्यान रखना ऐसा बनेगा, डेटा स्टोर के समय आपका डायग्राम ऐसा बनेगा, एक्सटर्नल एंटिटी में आपको कोई इशू नहीं है, और डेटा का जो फ्लो है वो लेफ्ट टू राइट बनेगा। ज़रा सा भी अगर डायग्राम के सिंबल में चेंज करेंगे तो उसका नॉमिनिक्लेचर क्या होगा, बदल जाएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। आगे बढ़ते हैं रूल्स ऑफ ड्राइंग द डीएफडी। सबसे पहला आप देखिए, पहले का नाम मैंने क्या बोला था, प्रोसेस, वेरी गुड। अब जो ये प्रोसेस है, ये है प्रोसेस, दूसरे नंबर पे फिर आ गई है प्रोसेस, ये है एंटिटी, ये है एरो, ये है प्रोसेस। अब आपने सब तरफ से प्रोसेस 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 तो पढ़ लिया, इसमें एक और आइटम बच गया, उसका नाम है डेटा स्टोर। तो क्या हो गया, ये प्रोसेस, ये प्रोसेस, ये प्रोसेस, ये एंटिटी, और ये क्या हो गया, डेटा स्टोर, जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये हो गया डेटा का फ्लो। अब आपको जब सिंबल समझ में आ जाएंगे तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि बनाना कैसा है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक फिनोमिना है, रूल फॉर ड्राइंग अ डीएफडी, अ मिनिमम ऑफ वन डेटा फ्लो इन वन डेटा आउट ऑफ द प्रोसेस। कम से कम कितना जाना चाहिए, वन डेटा फ्लो इन, क्या लिखा है पढ़िए ध्यान से, इसमें क्या लिखा हुआ है, अ मिनिमम ऑफ वन डेटा फ्लो इन एंड वन डेटा फ्लो आउट ऑफ द प्रोसेस, कम से कम ये होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट फोटो है, इस पर ध्यान दीजिए, यहाँ जो ये बना हुआ है सिंबल, ये काय का है, ये है आपका काय का है, ये डेटा स्टोर का है, ध्यान दीजिएगा, ये डेटा स्टोर का है, और ये काय का है, प्रोसेस का। इसमें इंफॉर्मेशन जा भी रही है और इन्फॉर्मेशन आ भी रही है, पढ़िए, अ डेटा स्टोर मस्ट बी कनेक्टेड टू द प्रोसेस आइदर इन और आउट, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन का प्रोसेस का है
इसकी इन्फॉर्मेशन जा भी सकती है, आ भी सकती है, किससे? डेटा स्टोर से। थोड़ी देर बाद आपको एक बहुत माइन्यूट DFD बनाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी, वो मैं शेयर करूँगा, उससे DFD का फंडा क्लियर होगा। अभी आपने क्या समझा? सबसे पहले आपने ये समझा कि जो ये DFD है उसमें डाटा का फ्लो इधर से लेफ्ट से राइट की तरफ होगा, प्रोसेस का डायग्राम आपने पढ़ लिया। इधर आपने डाटा स्टोर से प्रोसेस की तरफ चलेगा, लेफ्ट राइट दोनों तरफ। फिर आपने तीसरे डायग्राम में जाइए, ये एंटिटी है, एंटिटी किसकी तरफ जा रहा है? प्रोसेस की तरफ जा रहा है, आ भी रहा है और जा भी रहा है। तो क्या हो गया? एक्सटर्नल एंटिटीज मस्ट बी कनेक्टेड टू द प्रोसेस आइदर इन आउट, और बहुत क्लियर हो गई बात। और आखिरी में तो फ्लो आपको पता ही है कि फ्लो ओनली वन वे, विच इज़ लेफ्ट टू राइट। अब जो सबसे बड़ा मिलियन डॉलर क्वेश्चन है वो ये है, इस डायग्राम में इस चित्र को आप ध्यान से देखिए, आप पाएंगे कि ये जो डायग्राम बताया गया है इसमें क्या लिखा है। कॉमन मिस्टेक, DFD बनाते समय सबसे बड़ी गलती क्या होती है? मैंने आपसे कहा था कि प्रोसेस वाला जो चित्र है उसमें लाइन एक आनी चाहिए, पहले में कितनी आ गई? दो। संभव नहीं है, मतलब ये मिस्टेक है। क्या लिखा है ध्यान दीजिए, यहाँ कितनी लाइनें आ रही है? दो लाइनें आ रही है, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। प्रोसेस हैज़ नो डेटा फ्लोइंग इनटू इट बट हैज़ डेटा फ्लोइंग आउट। तो क्या हो रहा है? इस तरह का डायग्राम परमिजिबल नहीं है। वर्ड कारण क्यों? प्रोसेस हैज़ नो डेटा फ्लोइंग इनटू इट बट हैज़ डेटा फ्लोइंग आउट। यहाँ पर डेटा अंदर भी आ रहा है फिर बाहर भी जा रहा है, लेकिन यहाँ डेटा सिर्फ बाहर जा रहा है, जो कि परमिजिबल नहीं है, क्योंकि क्या लिख रहा है वो? प्रोसेस हैज़ नो डेटा फ्लोइंग, अंदर तो कुछ आ ही नहीं रहा है और जा क्या रहा है? बट हैज़ डाटा फ्लोइंग आउट, ये परमिजिबल नहीं है। या तो अंदर भी जाए डाटा, या तो डेटा अंदर भी जाए और फिर उसके बाद एग्जिट भी हो, तो वो DFD क्या माना जाता है? सही। अब दूसरे पे आइए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर मना है। क्या मना है? पढ़िए आप इसको। ये जो है वो डेटा का क्या है? ये डेटा का स्टोर है, और ये कौन है? एंटिटी बाहर वाली। तो क्या लिख रहा है? डेटा स्टोर इज हुक्ड टू एक्सटर्नल एंटिटी, दिस मींस एक्सटर्नल एंटिटी कैन रीड एंड राइट टू योर डेटा फाइल विदाउट ऑडिटिंग। ये डेंजरस स्थिति है। क्या है? डेंजरस स्थिति। डेंजरस क्यों है? देखिए ध्यान दीजिए, डेंजरस क्यों बोला मैंने इसको? डेंजरस इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर जो आपका डाटा है, क्या डाटा पड़ा हुआ है? डेटा जो आपका सेव है, स्टोर डाटा है, वो एक्सटर्नल एंटिटी के कनेक्शन में आ गया, तो एक्सटर्नल एंटिटी अब आपका डाटा चोरी भी कर सकता है, ले भी सकता है, मतलब उसकी एक्सेस जो है बाहर की दुनिया से हो गई। तो इस तरह का DFD नहीं बन सकता। DFD बनने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? इस तरीके से जाना पड़ेगा कि आपका जो DFD है वो जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है, स्टोर डेटा, वो कनेक्टेड होना चाहिए प्रोसेस से। यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए ध्यान दीजिए, ये स्टोर है और ये प्रोसेस है, ये चलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर स्टोर तो है लेकिन ये प्रोसेस नहीं है, ये एक्सटर्नल एंटिटी का डायग्राम है, ये संभव नहीं है, एक्सटर्नल एंटिटी से आप कनेक्ट नहीं हो सकते। तीसरी गलती, क्या लिख रहा है? प्रोसेस और प्रोसेस का कॉम्बिनेशन इन आउट, नहीं, द डेटा फ्लोज गोज इन टू टू डायरेक्शन एट वंस, टू और मोर एरोज शुड बी यूज टू शो द फुल फ्लो टू एंड फ्रॉम द प्रोसेस। ये भी सही नहीं है क्योंकि इधर इन्फॉर्मेशन जा भी रही है आ भी रही है और दोनों ही क्या है? प्रोसेस के साइन है। चलिए मैं इसको बड़ा सिंप्लीफाइड रिपीट करता हूँ, कहना क्या चाह रहा हूँ? कहना ये चाह रहा हूँ मैं आपको, ये सही है बिल्कुल, इन्फॉर्मेशन आ रही है जा रही है, ये जो है आपका स्टोर है, ये आपका जो है प्रोसेस है, चलेगा, लेकिन किसी भी हालत में ये स्टोर एक्सटर्नल एंटिटी के कनेक्शन में नहीं होना चाहिए, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपसे बोला है। इसी तरीके से एंटिटी अपने डेटा को प्रोसेस में ले जा सकती है, बिल्कुल सही है, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एरो में दिखेगा चलेगा, लेकिन प्रॉब्लम किस चीज़ पे है? आपत्ति जो है वो इस बात पे है कि इस तरीके से नहीं चलेगा कि इन्फॉर्मेशन अंदर नहीं आ रही और इन्फॉर्मेशन जा रही है, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, नंबर वन। नंबर टू क्या है आपका? ये क्या है? ये है डेटा स्टोर, और ये कनेक्ट होना था एंटिटी से नहीं बल्कि प्रोसेस से, जबकि ये कनेक्ट किससे हो गया? एंटिटी से। इसको होना किससे था? इसको कनेक्ट होना था, इसका डायग्राम ऐसे बनना था, इसका डायग्राम बनना था इस तरीके से, इस तरीके से इसको बनना था ऐसे। इसको बनाने के लिए क्या करना था?
इस तरीके से इन्फॉर्मेशन लेनी थी और इससे इसको कनेक्ट होना था, इसको इससे कनेक्ट होना था, लेकिन ये कनेक्ट किससे हो गया, कनेक्ट किससे हो गया, ध्यान से देखिए, स्क्वायर से। और स्क्वायर का मतलब कौन होता है, एंटिटी। ये रिस्की काम हो गया। कैसे रिस्की हो गया, क्योंकि अब डेटा हुक्ड होने लगा है। हुक्ड मतलब डाटा को कोई भी क्रैक कर सकता है, क्योंकि वो एंटिटी से क्या हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है और उसकी इन्फॉर्मेशन जा भी रही है और आ भी रही है, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। इसके अलावा दो प्रोसेस के बीच में जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है साइमल्टेनियस इधर और उधर, लेफ्ट और राइट, ये भी परमिजिबल नहीं है। तो फिर आगे बढ़ने पर हमें एक बात समझ में आती है कि जो परमिजिबल है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ये, ये और लेफ्ट टू राइट। और जो परमिजिबल नहीं है वो क्या है, आप दोनों तरफ से इन्फॉर्मेशन को लीजिए, केवल एक तरफ से नहीं चलेगा। आपका स्टोर एंटिटी से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए और प्रोसेस जो है वो भी दोनों तरफ से इन और आउट नहीं होनी चाहिए, या तो उसका इन्फॉर्मेशन ऐसा हो, ना कि दोनों तरफ से। अब ये अंतर आपको क्लियर हो गया होगा। अब डीएफडी क्या है, नोट दैट डीएफडी इज नॉट अ टाइम सेंसिटिव एंड दैट इट इज़ नॉट अ फ्लो चार्ट। सबसे पहले तो ये फ्लो चार्ट नहीं है, इट सिंपली सो शोज हाउ एंड वेयर द डेटा इट सेल्फ प्रोसेस थ्रू वन सिस्टम। बस ये तो सिर्फ ये बताता है कि किस तरीके से सूचनाओं का प्रवाह या इन्फॉर्मेशन किस तरह से बहता है, ये फ्लो चार्ट नहीं है। देर आर अदर वेज टू एड इन्फॉर्मेशन टू द चार्ट, सच एस वॉट डिपार्टमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टन एक्टिविटी और विच इज बैच टाइम और रियल टाइम। तो डीएफडी बनाते समय ध्यान रखिए, ये फ्लो चार्ट नहीं है, ये टाइम सेंसिटिव नहीं है और ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के प्रोसेस डेटा को एक तरह से सिम्बॉलिकली प्रेजेंट करता है। डीएफडी दो प्रकार के होते हैं, एक है लॉजिकल, एक है फिजिकल। लॉजिकल का मतलब समझने की कोशिश कीजिए, जो फिजिकल फॉर्मेट में नहीं है। नोट दैट कॉन्टेक्स्ट डायग्राम डिड नॉट रिकॉर्ड द मोमेंट ऑफ मर्चेंडाइज बट रादर द इन्फॉर्मेशन फ्लो सराउंडिंग द अंडरलेइंग। डीएफडी जब केवल इन्फॉर्मेशन को शो करेगी तो वो लॉजिकल है, इन्फॉर्मेशन को शो करेगी तो क्या है, वो लॉजिकल है। और जब वो मर्चेंडाइज को शो करेगी, क्या करेगी, माल को, तब वो क्या है, फिजिकल है। तो हमें पता चल गया कि डीएफडी के दो प्रकार हैं, एक है लॉजिकल और एक है फिजिकल। लॉजिकल को पढ़ते हैं, नोट दैट द कॉन्टेक्स्ट डायग्राम डिड नॉट रिकॉर्ड द मोमेंट ऑफ मर्चेंडाइज बट रादर द इन्फॉर्मेशन फ्लो सराउंडिंग द अंडरलाइंग बिजनेस प्रोसेस। अ डीएफडी दैट शोज द मोमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड लॉजिकल डाटा। अगर इन्फॉर्मेशन की बात करता है तो उसको लॉजिकल बोलते हैं, मर्चेंडीज की बात करता है तो उसको फिजिकल बोलते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, डीएफडी दैट शोज द मोमेंट ऑफ फिजिकल स्टफ सच एज मर्चेंडाइज इज कॉल्ड फिजिकल। अ लॉजिकल डीएफडी इज बाय फार द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डीएफडी एंड देयरफॉर वी विल फोकस ऑन दिस क्लास। और हमारा जितना भी फोकस है वो लॉजिकल पर है, फिजिकल पर नहीं है। मैं रिपीट करता हूं, डेटा फ्लो डायग्राम एक तरह का डेटा का किस तरह से इन्फॉर्मेशन का फ्लो हो रहा है उसको डिपिक्ट करता है, जो सिस्टम एनालिसिस और यूज़र के काम आता है, जिसमें सिस्टम एनालिस्ट, एंड यूज़र, डेटाबेस डिज़ाइनर, प्रोग्रामर और बाकी पार्टियां शामिल होती हैं। सिंबल्स का ख्याल रखिएगा, प्रोसेस का सिंबल, डेटा स्टोर का, एक्सटर्नल एंटिटी का, डेटा फ्लो का, और क्या करना है उसके बारे में बताया और क्या नहीं करना उसके बारे में बताया। उसमें मेजर था सेकंड वाला कि आपका जो ये जो डायग्राम है इसमें ये जो स्टोर है ये एंटिटी से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। ये कनेक्ट अगर एक बार प्रोसेस से हो जाएगा चलेगा, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है, ये परमिजिबल है। लेकिन अगर यही चीज़ आपकी अगर कनेक्ट एंटिटी से हो जाती है तो विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है, क्योंकि आपके डेटा हुक्ड हो रहे हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसी तरीके से थर्ड में क्या ध्यान रखिएगा, द डेटा फ्लो ग्लोज इनटू टू डायरेक्शन एट वंस, दोनों तरफ बह रहे हैं। टू और मोर एरोस शुड बी यूज टू शो द फ्लो टू एंड फ्रॉम ईच प्रोसेस। आई होप आपको ये बेसिक फिनोमिना क्लियर होगा। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, डीएफडी का एमआईएस में यूज़ बताइए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, डीएफडी का मीनिंग, उसके तुरंत बाद डीएफडी की पार्टीज़, डीएफडी के सिंबल्स, फिर डीएफडी को बनाने के रूल्स, उसके तुरंत बाद डीएफडी में होने वाली कॉमन मिस्टेक्स और डीएफडी को बिल्ड करते समय चीज़ों को फ्लो चार्ट से अलग दिखाना, और लास्ट में डीएफडी के दो टाइप जिसको लॉजिकल और फिजिकल बोलते हैं। और लॉजिकल का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन बेस्ड, फिजिकल का मतलब होता है मर्चेंडीज बेस्ड। और हमेशा याद रखना है कि हमारे कोर्स में जो एमआईएस पढ़ रहे हैं उसमें फोकस फिजिकल पर नहीं है, लॉजिकल डीएफडी पर है। सरल भाषा में डीएफडी का मतलब हुआ
सूचनाओं के प्रवाह को, इन्फॉर्मेशन के फ्लो को जो प्रेजेंट किया जाता है जिस रूप में, उसको DFD डेटा फ्लो डायग्राम बोला जाता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फर्दर रीडिंग कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।